सो गए? चले कोई बात नहीं, मुझे पता है आपने अपने हॉस्पिटल से छुट्टियां ली हुई, कल आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अट्रैक्शन है इनमें, जैसे कि बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया आबाद हमारी दुनिया। अरे चेहरा कितना रोशन है तुम्हारा, सब कुछ रोशन हो जाता है। क्या बात है, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं। तुम? हाँ मैं। नहीं वो मेरा मतलब है कि तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो, अम्मा कहाँ है? आंटी का तो मुझे नहीं पता, पर आप मुझे बताएं, आप यहाँ अकेले अकेले किससे बातें कर रहे थे? तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई नजर आ रहा है? नहीं, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। अपने आप से बातें कर रहा था, दिल चाह रहा था मेरा। एनी प्रॉब्लम? कभी हमसे भी बातें कर लिया करें, हम भी आपके कुछ लगते हैं। मारिया, मैं फिलहाल इस मूड में नहीं हूँ कि कोई मुझसे या मैं किसी और से बातें करूँ। ठीक है, अब तुम जा सकती हो, प्लीज जाओ। आज मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मुझे 2 दिन हो गए आए हुए और आप हैं कि मुझे लिफ्ट ही नहीं कराते, कभी आपसे अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता। जल्दी बोलो क्या बात है। इतना जान बनने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको पता ही नहीं है कि घर में क्या बात चल रही है। नहीं वाकई नहीं मुझे पता, क्या बात चल रही है? अम्मी और आंटी आपके और मेरे रिश्ते की बात चला रहे हैं। इस टॉपिक में मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। चलो शाबाश, अब जाओ यहां से। क्या बात है फवाद, आप मुझसे इतनी बेरुखी क्यों बरत रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? मुझ में कोई कमी कोई खामी है क्या? मारिया मारिया, मेरी बात को सुनो, समझो, मैं अभी किसी भी किस्म का रिलेशनशिप नहीं चाहता, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ओके? हाँ तो कोई बात नहीं ना, अभी शादी नहीं करना चाहते, लेकिन कभी ना कभी तो शादी करनी है ना। मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन बात तो पक्की की जा सकती है। देखो मैं बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से, बहुत तसल्ली से तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हें कजन, छोटी बहन, दोस्त की जगह दी है। उस नजर से देखा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं शादी करूँगी तुमसे। ठीक है, इस बात को समझो और अब चले जाओ यहाँ से, प्लीज। फवाद देखे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमारे जहन मिल जाएंगे। मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ। और आपको पता है, हमारे पेरेंट्स इस रिश्ते पे बहुत खुश हैं। एक्सक्यूज मी, कौन सा रिश्ता? हाँ, कितनी देर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आराम से भी समझा लिया, प्यार से समझा लिया, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। बस तुम तो यहाँ से जाओगी नहीं, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। फवाद,
मारिया 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 बेटा मारिया 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 बेटा दरवाजा खोलो मारिया 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 कहाँ रह गए थे साहब? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। हजार गया था तुम्हारे लिए कुछ लाने। सच? क्या लेकर आए दिखाए ना। जब तुम्हारी शादी हुई थी कितना अच्छा तोहफा दिया था तुमने मुझे। देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया कितनी बुरी बात है। सोचा अपनी बहुत हसीन दिल नवाज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा तोहफा दिया जाए। उसे सिर्फ हमारी मोहब्बत की निशानी हो, सिर्फ हमारी मोहब्बत की। देखो देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ये मेरी तुम्हारी हमारी मोहब्बत के नाम। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, बिल्कुल नहीं रह सकता। I love you, बेहद, बेपनाह, सबसे ज्यादा। सच बताऊं, आज से पहले मुझे कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि मोहब्बत इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे कभी छोड़कर मत जाना साहब, मुझसे ये खुशी कभी मत छीनना। कोई नहीं, जब मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने बाजार गया था तो अपना मोबाइल गाड़ी में छोड़ दिया था। वापस आके देखा तो अम्मा की बहुत मिस कॉल्स थी। पता नहीं क्या कहना था उन्हें, क्यों फोन कर रही थी। बात नहीं हुई आपकी उनसे? नहीं, बात तो नहीं हुई। सोचा घर ही तो जा रहा हूँ तो घर जाके बात कर लूंगा इस नसीबन से बात। और घर आके फोन करना भूल गए ना? भूल गए ना साहिब? तुम्हें देखता हूँ तो कुछ याद नहीं रहता मुझे, कुछ भी नहीं, बस दिल करता तुम्हें देखते रहूं। बार बार देखो देखते रहूं। फिर जब मैं घर गया तो वो नहीं थी घर पे, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो पड़ोस में गई है लड़ने के लिए। क्या, क्यों? मैंने मारिया को घर से निकाल दिया साहब। अब वो आपको कभी तंग नहीं करेगी। घर से निकाल दिया? तो मिली थी उससे? अगर मैं उससे मिलती तो शायद वो ये घर छोड़ के कभी ना जाती। बगैर मिले ही मैंने उसे भगा दिया साहब। अच्छा, डरा दिया उसको है ना? डर गई, डर गई। सिर्फ डराया ही नहीं, थोड़ा सा धमकाया भी है साहब। लव यू सबसे ज्यादा।
अच्छा किया तुमने उसके साथ, अच्छा जांच हुई नहीं उसे। उसी की वजह से भागा, उसी की वजह से घर छोड़ा था मैंने। लेकिन ये भी तो अच्छा हुआ मेरा घर से जाना तुम्हारे लिए तूफान आने का बहाना बन गया। हाँ साहेब, 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 साहेब